ये मेरे मायके का था है भगवान। आज फिर तूने मेरे टी शर्ट का एक कप तोड़ दिया। मेरे मायके का था भैया ने कितने प्यार से मेरी सालगिरह पर दिया था। इसके पैसे तो मैं तेरी तनख्वाह से काटूंगी रूपा, सुन रही है ना तू। फ्रिज पर टूटे हुए कप के टुकड़े देखकर सोनल अपनी 45 वर्षीय कामवाली पर जोर से चिल्लाई, दीदी वो गलती से हाथ से। रूपा हकलाने लगी। रूपा की आंखों में आंसू आ गए। बस बस ये सब तेरे बहाने हैं, अब जल्दी से समेट इन्हें, कहकर वह अपने बेडरूम में चली गई। रूपा पिछले कई महीने से ही सोनल के यहाँ काम कर रही थी। 6 महीने पहले तक तो उसकी जिंदगी बड़े मजे में कट रही थी। काम करना तो दूर, वह तो सामान लाने भी अपने पति के साथ ही निकलती थी। उसका पति एक फैक्ट्री में फोरमैन था। उसके पति को जितनी तनख्वाह मिलती थी उसमें दोनों पति पत्नी का गुजारा मजे से हो जाता था। विवाह के 6 बरस बाद जब कोई संतान नहीं हुई तो दोनों ने डॉक्टर को दिखाया। कुछ महीनों के इलाज के बाद भी डॉक्टर साफ से कुछ नहीं जवाब दिए तो रूपा ने पति से दूसरी शादी कर लेने को कहा। तब तो उसकी सास भी थी, पोते का मुंह तो वो भी देखना चाहती थी, लेकिन उसका पति नहीं माना। बोला, औलाद का सुख लिखा होगा तो तेरे साथ ही मिलेगा, वरना समझ लूंगा कि बुढ़ापे में औलाद से मिलने वाला दुख मेरी किस्मत में नहीं है। उसके इस तर्क के आगे तो रूपा और उसकी सास निरुत्तर हो गए। वो किसी भी हाल में दूसरी शादी करके रूपा के साथ ना इंसाफी नहीं करना चाहता था। कुछ साल बाद उसकी सास भी गुजर गई, अब तो 2 व्यक्ति ही रह गए थे। उम्र भी हो रही तो उसके पति ने अब ओवरटाइम करना छोड़ दिया, समय पर घर आ जाता। दोनों साथ बैठकर चाय पीते और दुनिया समाज की बातें करते। अपनी जिंदगी में दोनों बहुत खुश थे, किसी से कोई मतलब नहीं था, ना किसी की शिकवा ना शिकायत। पर कहते हैं ना, जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जीवन में खुशियों के बाद दुखों के बादल भी छाने लगते हैं। रूपा की खुशी को भी ग्रहण लग गया। उसकी जिंदगी में तूफान आने वाला था। एक दिन उसका पति फैक्ट्री में मेन स्विच ऑफ करके किसी मशीन की सफाई कर रहा था, फिर न जाने कैसे किसी ने आकर स्विच ऑन कर दिया और मशीन में उसका दाहिना हाथ आ गया। वह दर्द से चीखा। लोग आते, मेन स्विच बंद करते, तब तक में तो उसका हाथ उसके धड़ से अलग हो गया था। उम्फ, उसकी पीड़ा। तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। रूपा साए की तरह अपने पति के साथ रही, दिन रात उसके जीवन की प्रार्थना करती रहती। 1 महीने तो उसका पति हॉस्पिटल में रहा, जिसका पूरा खर्चा फैक्ट्री के मालिक ने उठाया, लेकिन फिर घर आने के बाद भी अस्थमा भरने में समय लगा। शरीर के घाव तो धीरे धीरे भरने लगे थे, लेकिन मन के घाव उसके पति के सामने पूरा जीवन पड़ा था। उसे दिन रात यही चिंता खाए जाने लगी कि अब आगे क्या होगा, उसका अपाहिज जीवन कैसे चलेगा, रूपा अकेले सब कैसे करेगी। मालिक से मिली मुआवजे की रकम भी अब खत्म होने लगी थी। तब रूपा ने पति से कहा कि मुझे काम करने की इजाजत दे दो। उसका पति निराश होकर बोला कि तू क्या काम करेगी, अब तक तो मैंने तुझे रानी की तरह रखा था और अब तू कैसे। तब वह हंसते हुए बोली थी कि हम औरतों को भगवान ने बहुत शक्ति दी है, और फिर तुम तो होना मेरे साथ। यही कहकर उसने पहली बार अपने घर से बाहर कदम निकाला था। वो सोच रही थी काम करे तो क्या करे। फिर उसने घरों में जाकर झाड़ू बर्तन करने की सोची। काम करने की आदत तो उसे नहीं थी, धीरे धीरे करने पर सोनल कभी एक घुड़की दे देती थी, फिर भी सब ठीक चल रहा था। काम करके घर जाती तो पति मुस्कुराकर वैसे ही उसका स्वागत करता जैसे पहले वो किया करती थी, और तब उसका सारी थकान दूर हो जाती थी। पिछले महीने उसे बुखार हो गया था। 2 दिनों की छुट्टी लेने के बाद वह काम पर लौटी तो थी, परंतु कमजोरी थी जिसकी वजह से उसके हाथ से एक कांच का गिलास गिरकर टूट गया था। और अब ये कब। रूपा सोच रही थी दीदी तनख्वाह में से पैसे काट लेगी तो महीना कैसे चलेगा।
उसके खुद के इलाज में ही काफी रुपए खर्च हो गए थे, अभी तो उनकी दवा भी लानी है। कैसे होगा? सोचकर उसकी आंखें नम हो गई। अपनी आंखों के कोरों को पोंछते हुए उसने कप के टुकड़ों को उठाया और सिंक में पड़े बाकी बर्तनों को वह धोने लगी। इंसान कभी कभी कितना मजबूर हो जाता, वर्त कहां से कहां ले आया रूपा को। क्या बात है, सोनल क्यों उस बिचारी पर चिल्ला रही थी? सोनल के पति नित्यम ने पूछा तो बिफरे हुए अंदाज में बोली, चिल्लाऊंगी नहीं, आज फिर उसने एक कप तोड़कर मेरा एक नया सेट खराब कर दिया है। जानते हैं, वो टी सेट मेरे भाई ने दिया था, मेरे मायके का था, उसका पैसा तो जरूर काटूंगी, तभी उसकी अक्ल ठिकाने आएगी। हर दिन कुछ ना कुछ तोड़ देती है, पता नहीं दिमाग कहाँ रहता है। यह ठीक नहीं है, है सोनल, एक कप के लिए तुम तो जानती हो कि उसका पति। बस बस, ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। दो दिन के बाद रूपा ने सोनल से कहा कि कल उसे पति को लेकर अस्पताल जाना है, इसलिए थोड़ी देर से आएगी। अगले दिन सैर से लौटते हुए नित्यम अपने दो मित्रों को भी चाय पीने के लिए घर ले आए। बर्तन तो जूठे पड़े थे, तो सोनल चाय पीने के लिए नया सेट निकालने लगी। उसने पहले चार कप निकाले, फिर प्लेट निकालने लगी तो एक प्लेट हाथ से फिसल कर गिर पड़ी। छन की आवाज सुनकर नित्यम किचन में आए और जमीन पर प्लेट के टुकड़े देखकर उनका पारा चढ़ गया। बोले, सोनल क्या किया तुमने? मेरी दीदी ने गिफ्ट किया था और तुमने तोड़ दिया। तुमसे तो कोई भी काम नहीं होता है, पता नहीं तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है, कोई काम ढंग से नहीं करती हो। पति के मुंह से अपने लिए नकारात्मक बात सुनकर सोनल को रोना आ गया। अपने आंसू पीकर उसने चाय बनाई। मेहमानों के जाने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगी। नित्यम ने पूछा कि क्या हुआ, तो वो पति पर बिफर पड़ी, एक प्लेट के लिए कितना सुना डाला तुमने, ये भी न सोचा कि घर में मेहमान बैठे हैं, कम से कम मेहमानों का तो ख्याल कर लेती। अरे भाई, मेरे मायके का टी सेट था, तो क्या हुआ, सेट फिर से आ, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। सोनल, मेरी जरा सी बात तुम्हें बुरी लगी तो जरा सोचो कि दो दिन पहले एक कप टूट जाने पर तूने रूपा को कितना सुना दिया था, ये भी नहीं सोचा कि उसकी तनख्वाह के आधे पैसे तुम रख लोगी तो वो दुखियारी कैसे सब करेंगी, उसके घर के हालात तो तुम्हें पता है। सोनल, कप हो या प्लेट टूटने की चीज है, किसी से भी टूट सकती है, उसके लिए किसी को ऐसे डांटना नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हें यही समझा रहा। सारी नित्यम, सच में मैंने रूपा के साथ बहुत बुरा किया है, कहते हुए उसने रूपा को फोन करके कहा कि आज तू मत आ, अपने पति का अच्छे से चेकअप करा ले। नहीं दीदी, वो पैसे नहीं मिलेंगे तो चिंता मत कर, तुझे पूरी पगार दूंगी, हंसते हुए सोनल बोली। तो नित्यम को आज अपनी पत्नी दया, स्नेह और प्यार की एक मूरत नजर आने लगी। वो भी पत्नी को देखकर मुस्कुरा दिया। गलती किसी से भी हो सकती है, अगर कोई चीज हमसे टूट जाएगी तो क्या हम उसका भुगतान करते हैं? नहीं ना, तो अगर हमारे घर के नौकरों से कोई गलती हो जाए तो उनकी सैलरी से ना काटे। हर किसी की कोई ना कोई मजबूरी होती काम करना, वरना दूसरों के घरों में बर्तन मजना कौन चाहेगा।